हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ मैं तरुण कुमार शर्मा 18 जून 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स अपडेट है फॉर IAS, बैंक, SSC, RRB एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम फॉर 2020 एंड 2021 के लिए। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया वो देख लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। दोपहर के 4 बजे एग्जाम के बाद जो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये भी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है। और आफ्टरनून दोपहर के 4 बजे ही मॉडर्न हिस्ट्री, जो संडे, ट्यूजडे एंड थर्सडे, ये भी हिंदी है। मतलब हमारे यहाँ पर जितने भी लेक्चर तैयार किए जाते हैं वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू चली जा रही है, प्लेलिस्ट पे सारे वीडियोस रखे गए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। 9000 GK वन लाइनर बाय टेस्ट ऑफ नॉलेज, ये सेशन हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। एग्जाम के बाद 5 जून 2020 से ही हमारे यहाँ पर क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर SSC एग्जाम एट होम, घर बैठे SSC की तैयारी करें कैसे करें। अगर आप SSC के एस्पिरेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स पर आपको बताना पड़ेगा, ताकि मैं आपके लिए प्रिपरेशन शुरू करवा सकूँ। करियर स्नाइपर प्रोएक्टिव फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये ऑनलाइन कोर्सेज हमारे यहाँ पर शुरू होने वाला है। प्री रियर बुकिंग के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर। यहाँ पर SSC, CDS, NDA, RBI, रेल, बैंक और भी बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। SD सर कॉम्पिटेटिव क्लासेज ऑनलाइन बैच 15 तारीख से शुरू हो चुकी है, 15 जून से। और यहाँ पर SSC, रेल, WBCS, WBPSC, WBP, TET जैसे एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। मैथ, इंग्लिश, GK, रीजनिंग, रीजनिंग क्लासेज मैं ले रहा हूँ। फोन नंबर दिया गया, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं टॉप 17 क्वेश्चन के ऊपर। पीएम नरेंद्र मोदी इंटरेक्टेड विथ हाउ मेनी स्टेट चीफ मिनिस्टर्स ऑन 17 जून 2020। पीएम नरेंद्र मोदी ने 17 जून 2020 को कितने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की है? 15, 21, 16 या 20? तो इसका करेक्ट आंसर है 15 स्टेट के मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से बात की गई है। विच स्टेट हैज साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्थ रुपीज 16,000 करोड़ विद 12 इंटरनेशनल फर्म्स? किस राज्य ने 12 अंतर्राष्ट्रीय फर्मों के साथ 16,000 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र ने साइन किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस ऑन डिफरमेंट ऑफ पेमेंट टू एम्प्लॉयज पेंशनर्स? किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और को भुगतान भुगतानों को स्थगित करने के लिए एक अध्यादेश जारी को मंजूरी दी है? उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र या तेलंगाना? तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। द AIIB अप्रूव्ड हाउ मच लोन टू इंडिया ऑन जून 17, 2020? AIIB ने 17 जून 2020 को भारत को कितना ऋण स्वीकृत किया है? 750 मिलियन US डॉलर, 500 मिलियन US डॉलर, 380 मिलियन US डॉलर या 450 मिलियन US डॉलर? तो इसका करेक्ट आंसर है 750, मतलब 750 मिलियन US डॉलर। अ पिटीशन हैज बीन फाइल्ड विच इन विच कोर्ट सीकिंग डायरेक्शंस टू द सेंटर फॉलो 27% रिजर्वेशन प्रोसीडियर फॉर द OBC कैटेगरी स्टूडेंट इन मेडिकल कॉलेजेस? मेडिकल कॉलेजों में OBC श्रेणी के छात्रों के लिए 27% आरक्षण प्रक्रिया का पालन करने के लिए केंद्र को निर्देश देने के लिए किस अदालत में याचिका दायर की है? सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली हाई कोर्ट में। गाइस, अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा। आगे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका कमेंट बॉक्स पर आंसर देना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं। चाणक्य लाइव, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर मैं आपको मैथ एंड रीजनिंग की क्लासेस करवाऊंगा, जाके आप टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं। यहाँ पर भी लिंक दिया गया और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया, आप जाके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु विल होस्ट एंड प्रोड्यूस द 2020 एमी अवार्ड्स? 2020 एमी अवार्ड्स की मेजबानी और निर्माण कौन करेगा? ओपरा विनफ्रे, एलेन डिजेनरेस, जिमी किमेल या जिमी फॉलन? तो इसका करेक्ट आंसर है जिमी किमेल। किमेल। विच कंट्री हैज सेट अप अ ट्रिब्यूनल टू प्रोब अ मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अंडरटेकन विथ चाइनीज सपोर्ट इन इट्स
कैरेन स्टेट। किस देश ने अपने करेन राज्य में चीनी समर्थन के साथ किए गए एक मेगा निर्माण परियोजना की जांच के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना की है? बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, सॉरी बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो इसका करेक्ट आंसर है म्यांमार। विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक इंडिया इन द एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स WCI रैंकिंग, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक रैंकिंग में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त है? 53, 25, 43 या 33। तो इसका करेक्ट आंसर है 43। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस UNCTAD, इन विच ईयर इंडिया रैंक एट द बॉटम इन टर्म्स ऑफ द वोइंग FDI इन 2019? संयुक्त राज्य व्यापार, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में FDI को लुभाने के मामले में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा है? 9th, 4th, 5th या 7th। तो इसका करेक्ट आंसर है 9th। वर्ल्ड डिससर्टिफिकेशंस एंड ड्रॉट प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 मार्च, 20 अप्रैल या 17 जून। तो इसका करेक्ट आंसर है 17 जून। विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल टीम हैज गॉट फर्स्ट पोजिशन इन द फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग रिलीज बाय द फीफा फॉर जून? फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बेल्जियम, इंडिया, ब्राजील या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका करेक्ट आंसर है बेल्जियम को प्राप्त हुआ है। हु हैज रिसेंटली मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट सिख वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम द प्रेस्टिजियस US मिलिट्री अकेडमी इन वेस्ट पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट है। हाल ही में किसने वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली महिला सिख बनकर इतिहास रच दिया है? पहली है ये, वो भी फीमेल। क्या नाम है? प्रत्यूषा नारंग, अनमोल नारंग, हरसुख कौर या हरदीप सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर है अनमोल नारंग, ये पहली महिला है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द एक्सग्रेशिया अमाउंट 25 लाख रुपीज बीइंग गिवन टू द वाइफ एंड डिपेंडेंट्स ऑफ मेरिट्रियस एंड आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को दी जा रही 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितने लाख रुपए की जाने की निर्णय लिया है? 40 लाख, 30 लाख, 50 लाख या 35 लाख? तो इसका करेक्ट आंसर है 25 से डायरेक्ट 50 लाख कर दिया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टॉप्ड द एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स WCI रैंकिंग, वार्षिक वित्त प्रतिस्पर्धा सूचकांक रैंकिंग में निम्न में से किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? डेनमार्क, चाइना, रशिया या सिंगापुर? तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर टॉप पे है। इंडिया हैज कमिटेड टू बिल्ड अ सैनिटेशन सेंटर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2.33 करोड़ इन विच टेम्पल कॉम्प्लेक्स हेयर डिस्पाइट द ऑनगोइंग टेंशन फ्रॉम नेपाल? भारत ने नेपाल से जारी तनाव के बावजूद यहाँ किस मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है? पशुपति टेम्पल, पशुपतिनाथ टेम्पल, मुक्तिनाथ टेम्पल, बुद्ध निकिता टेम्पल या फिर दक्षिण काली टेम्पल? तो इसका करेक्ट आंसर है पशुपतिनाथ टेम्पल में भारत इतने तनाव के बाद भी, टेंशन के बाद भी इन्वेस्ट कर रहा है। वर्ल्ड डे ऑफ फैमिली रिमिटेंसेस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? विश्व परिवार पोषण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च, 10 जनवरी, 16 जून या 12 अप्रैल? तो इसका करेक्ट आंसर है 16 जून को मनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मिलिट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD एंड द मिलिट्री ऑफ स्पोर्ट्स हैड जॉइन हैंड टू प्रोड्यूस अ सीरीज ऑफ स्पेशल फिल्म प्रमोटिंग हाउ मेनी इंडिजीनियस स्पोर्ट्स इन इंडिया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने भारत में कितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने की वाली विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला बनाने हेतु हाथ मिलाया है? 20, 15, 10 या 18? तो इसका करेक्ट आंसर है 10।
गाइज अब इनिशिएटिव की तरफ बढ़ते हैं। नए जो स्टूडेंट उन्हें बता दिया जाए इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है। इनिशिएटिव का मतलब होता है बेस को मजबूत करना, मतलब एक नई पहल करना, और ताकि आप अपने गोल मतलब गवर्नमेंट जॉब को अचीव कर सकें। तो चलिए देख लेते हैं क्या ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सिपरी, इसका इसके चेयरमैन है, चेयर है एम्बेसडर जैन फिलासन, डायरेक्टर है डैन स्मिथ, और हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में। एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में देख लेते हैं, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, मैनेजिंग डायरेक्टर है एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, अनुब्रता विश्वास। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC, डायरेक्टर जनरल कौन है, नीता वर्मा, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, CBIC कहते हैं इसको, मिस्टर अजीत कुमार इसके चेयरमैन हैं और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। प्रिंस अल्बर्ट टू ऑफ मोनाको फाउंडेशन, प्रेसिडेंट है इसके प्रिंस अल्बर्ट टू ऑफ मोनाको, वाइस प्रेसिडेंट एंड CEO कौन है, ओलिवियर वेंडन, और हेडक्वार्टर है मोनाको में। डिकन डेवलपमेंट सोसाइटी DDS, इसके डायरेक्टर है PV सतीश, हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना। सार्क एंड एसोसिएशन, फाउंडर एंड चेयरमैन है सुनील कुमार गुप्ता, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कजाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं, ये एरिया इंडिया के यहाँ से देखिएगा इंडिया के ऊपर कौन है, पाकिस्तान नजर आएगा, उसके बाद अफगानिस्तान की थोड़ी सी बाउंड्री मिलती है, उसके बाद तजाकिस्तान, और उसके ठीक ऊपर कजाकिस्तान आपको नजर आएगा, सॉरी किर्गिस्तान आपको नजर आएगा। तो किर्गिस्तान जो है यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान उसके ऊपर है, ये किर्गिस्तान है। तो यहाँ कैपिटल है इसकी बिशेक, और करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI के बारे में देख लेते हैं, अक्टूबर 2003 में इस फॉर्म हुआ था, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता। इंटरनेशनल इंडियन इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटैक के बारे में देख लेते हैं, चेयरमैन कौन है, LK गुप्ता, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं, ये एरिया आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश है, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है। कैपिटल इसका ईटानगर, चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, गवर्नर है BD मिश्रा, नेशनल पार्क कौन से हैं, मौलिंग नेशनल पार्क और नाम दफा नेशनल पार्क, नाम दफा नेशनल पार्क यहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब सीधा के बारे में देख लेते हैं, चेयरमैन कौन है, आलोक टंडन, CEO कौन है, अनिल गर्ग, हेडक्वार्टर कहाँ है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। वेस्ट बंगाल के बारे में देख लेते हैं, ये एरिया वेस्ट बंगाल है जो आप देख रहे हैं, पूरा एरिया वेस्ट बंगाल के अंदर में आता है। कैपिटल इसकी कोलकाता, गवर्नर कौन है, जगदीप धनकर। नेशनल पार्क क्या क्या है, बक्सा नेशनल पार्क है यहाँ पे, गोरुमारा नेशनल पार्क है, जल्दापारा नेशनल पार्क है, नियोरा वैली नेशनल पार्क है, सिंगलीला नेशनल पार्क है, सुंदरवन नेशनल पार्क है, ये सारे नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। WBCS के जो जो स्टूडेंट होंगे वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना इसको। चलिए अब टॉप 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, जो लास्ट क्लास में आपसे पूछा गया था उसका आंसर चेक कर लेते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, यह न्यू दिल्ली में। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की कैपिटल है आपकी वेलिंगटन। हु इज द MD एंड CEO ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के MD एंड CEO कौन है, दिलीप अश्बे। अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ विच कंट्री, UAE की कैपिटल है ये अबू धाबी। विच कंट्री हैज अनाउंस अ जेट जीरो प्लान टू ब्रिंग डाउन एविएशन इमिशंस, तो कौन सी कंट्री में अनाउंस किया गया, यूनाइटेड किंगडम में मतलब UK में। आज के टॉप 6 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। कैश कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, विच इज द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू डिप्लॉय अ टेक इनेबल स्मार्ट ऑटोमेटिक इरीगेशन सिस्टम, सेज द फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन गौर वॉज कैरिड आउट इन नीलगिरीज फॉरेस्ट डिविजन, नीलगिरीज लोकेटेड इन विच स्टेट। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लोकेटेड, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमिक एनर्जी एजेंसी लोकेटेड, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देने हैं। चलिए इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं, ऑटिस्टिक प्राइड डे, यह हर साल 18 जून को मनाया मनाया जाता है। एवरी ईयर इज ऑब्जर्व 18 जून टू रिप्रेजेंट द डाइवर्सिटी एंड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। दिस डे इज फॉर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द ऑटिज्म टू कम टुगेदर विद देयर फैमिली एंड केयर गिवर्स, अ डे टू प्रमोट अवेयरनेस एक्सेप्टेंस एंड ऑटोनॉमी।
चलिए आगे, नेक्स्ट और एक डे है इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल पिकनिक डे। लेकिन लॉकडाउन में कहीं नहीं जा पाएंगे, घर में ही पिकनिक मनाइए। मेरे तरफ से सभी को हैप्पी पिकनिक डे। तो ये हर साल 18 जून को ही मनाया जाता है। देखिए, इंटरनेशनल पिकनिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इट इन जून। दिस इज द डे टू इंजॉय नेचर विथ योर नियर एंड डियर वंस। तो मैं तो आपका नियर हूँ, क्योंकि मैं हर रोज आपसे कनेक्ट रहता हूँ, तो आप भी मेरे नियर एंड डियर वंस हैं। चलिए, सो गाइज, आज का सेशन कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो दूसरों की मदद हो सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। जो क्वेश्चन पूछे गए उसका कमेंट बॉक्स पर आंसर देना है। साथ ही साथ चाणक्य लाइव को लाइक और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूले। सो गाइज, थैंक यू, मिलते हैं शाम के 4 बजे या दोपहर के 4 बजे।